सबको पता चल गया होगा मेरे चैनल का। और दूसरी बात है कि मुझे कोशिश करूंगी, फिलहाल मेरे दिमाग अभी काम नहीं कर रहा कि मैं और चैनल बनाऊं, और अभी फिलहाल मेरे पास चैनल नहीं है। अगर मेरे पास चैनल होता तो मैं ज़रूर वहां पर लाइव आकर आप सबसे बात करती। और यहाँ पे किसी को मेरी बर्बादी देखनी थी तो मैं उसको यही कहूंगी कि मैं पूरी तरह से अभी बर्बाद हो चुकी हूँ। कि मैंने अपनी शक्ल भी बिगाड़ दी है, कि मुझे मुझे कोई ना पहचान सके कि ये सितारा है। चैनल भी खत्म हो गया है, इससे बढ़ के और कौन सी बर्बादी होगी मेरी। तो दूसरी बात के किसी को भी ये लगे कि ये कोई सिंपत्ति है, ये ऐसा कुछ है, तो मैं उसको ये दुआ दूंगी कि अल्लाह पाक तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ करे कि तुम भी सिंपत्ति ऐसे गेन करो। और कुछ लोग मुझे काफी ज्यादा सजेशन दे रहे हैं कि आप चैनल को ऐसे वापस ले आए, ऐसे वापस ले आए। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मैंने सब चैनल वालों से बात की है। और इसके अलावा पायल मलिक ने मेरी बहुत हेल्प की है, इंडिया से फैमिली फिटनेस जो चैनल है जिनका, उन्होंने मेरी काफी हेल्प की है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, सबने की है। तो शायद वो चीज़ मेरे नसीब में नहीं है। और तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस जिसने भी मेरा साथ दिया यहाँ तक। यहाँ तक मेरा YouTube था और यहाँ तक ये सब कुछ था। और मैं यहाँ उस दिन की मैं अपने बच्चों के सामने नहीं आई ऐसे, जो कह रहे हैं कि मेरे बच्चों ने नहीं देखा, मैं उनको मोबाइल नहीं दिखा रही, कुछ नहीं देख रहे मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं देख रहे। और मैं क्या बोलूं, मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी तरफ से अपनी फैमिली में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसकी मैंने कोई हेल्प ना की हो। मैंने अपनी तरफ से सबकी हेल्प की, और कभी मैंने यूट्यूब पे भी आकर नहीं बताया ना दिखाया, और सबके चैनल बनवाए। अपनी तरफ से मुझसे जितना हो सका मैंने किया। और इस टाइम पर सबको जहाँ सबको मैं लेकर आई थी, आज वो सब है और मैं नहीं हूँ यूट्यूब पर, तो ये मेरा नसीब था। तो अभी मैं लाइव बंद कर रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। बस मुझे थोड़ा सा एक अपडेट देना था आपको कि मैं यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यूट्यूब पे मेरा चैनल नहीं है। और दूसरी बात, अगर मैं आगे बनाऊंगी
तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। इसके अलावा बस और कुछ नहीं है फिलहाल, तो कुछ भी नहीं बचाना। मैं कुछ बोलूंगी कि इस टाइम पे कुछ मेरे साथ है, और जिसने भी साथ दिया सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मैं इस हालत में पहुंची हूँ, जिसने भी पहुंचाया है उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी फैमिली में से भी जो आ रहे हैं मेरे खिलाफ आ रहे हैं, और उनको अल्लाह पाक एक ना एक दिन ये दिन दिखाएंगे कि वो खुद रोएंगे। ठीक है, मैं यही बोलूंगी, क्योंकि जिनको अगर मेरी औलाद नहीं दिख रही या फिर मैं किसी को नहीं देखी हूँ, तो मैं यही बोलूंगी कि अल्लाह पाक ये दिन दिखाएगा। हाँ, यूट्यूब चैनल कह रहे हैं कि हमने सर्च किया है, यूट्यूब चैनल है, अभी भी रुका हुआ है, लेकिन उसमें 2-3 दिन है कि 2-3 दिन तक टर्मिनेट हो जाएगा, और उसके अलावा मैं उस पर कुछ अपलोड नहीं कर सकती, ना मैं कुछ डाल सकती हूँ, ना मैं उस पर लाइव आ सकती हूँ, ना मैं उस पर कोई वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। बाकी जिसने स्ट्राइक दी है उसको स्ट्राइक वापस नहीं लेनी। मैंने उनसे भी बात की है, उनको बहुत रिक्वेस्ट की है, वो कह रहे हैं हम स्ट्राइक वापस नहीं लेंगे। चलो ठीक है, मैं अभी लाइव खत्म कर रही हूँ, और मैं नया चैनल बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी जरूर। पता नहीं कौन है, किसने स्ट्राइक दी है, किस कंट्री, पाकिस्तान से नहीं है वो, ना ही इंडिया से, किसी और कंट्री से है जिसने स्ट्राइक भिजवाई है मुझे, और उनसे बात की है बहुत, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, स्ट्राइक वॉश वापस नहीं ले सकते। तो मैं नया चैनल बनाऊंगी। सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे लिए परेशान थे, जो अल्लाह पाक उनको खुश रखे, और जो लोग मुझे रात दिन गंदा करने में लगे हैं, अपने साथ ले जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे ये चैनल।